हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपने बाइंडिंग मशीन्स, पेपर टूल्स एंड डाई कटर्स को मेंटेन करना है, रस्ट फ्री रखना है एक छोटे से प्रोडक्ट से जिसका नाम है रस्ट स्प्रे। तो सबसे पहले आपको इसे इस तरह से इंस्टॉल करना है। इस तरह से आपको ये पाइप इसके अंदर फिट कर देना है और अपने डाई कटर के अंदर इसे ले जाना है। जैसे ही आप डाई कटर के अंदर ये स्प्रे प्रेस करते हैं, वो जो स्प्रे है गैस बन के डाई कटर के अंदर चले जाता है और उसकी सारी जो रस्ट की एक रस्ट फ्री उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। तो जैसे क्योंकि एक मेटल है और हर मेटल धीरे धीरे रस्ट पकड़ता है, डैमेज होता है, उसकी शार्पनेस कम होती है, आप बेसिकली अपने प्रोडक्ट की लाइफ इंक्रीज कर रहे हैं ये प्रोसेस इस्तेमाल करके। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं और साइड में अगर आपको कहीं कोने के अंदर मशीन के अंदर भी फिट करना हो तो ये पाइप के थ्रू आप उस स्प्रे को अंदर तक पहुंचा सकते हैं। ये सेम प्रोसेस है आपकी स्पाइरल बाइंडिंग, वायरो बाइंडिंग एंड कोम बाइंडिंग मशीन्स के लिए भी। जैसे आपकी ये कोम बाइंडिंग मशीन है और इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे गियर्स होते हैं, बेयरिंग्स होते हैं और आप हर बार मशीन को ओपन नहीं कर सकते, हैंडल कई बार यूज करते करते टाइट हो जाता है, तो उसे हल्का सा फ्री करने के लिए आप ये मशीन इस तरह से नीचे बेंड कर दीजिए और फिर स्प्रे को प्रेस कीजिए। इस तरह से मशीन को जब आप स्प्रे करते हैं तो अंदर की जो गैस है वो गैस बन के अंदर जाती है और लिक्विड बन जाती है गियर्स को टच करते ही, तो मशीन की ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन हो जाती है, ऑयलिंग हो जाती है। एंड एक और छोटी सी मैं आपको एक और इस मशीन के अंदर भी करके बता देता हूँ। तो आपने मशीन के हैंडल को सबसे पहले नीचे किया, नीचे करने के बाद क्योंकि इसकी ब्लेड्स आगे आ जाती हैं तो ब्लेड्स के ऊपर आप इस तरह से स्प्रे करेंगे। हल्का सा स्प्रे ही काफी होता है, पूरी तरह से मशीन जो है अब लुब्रिकेट हो जाती है और इस तरह से पूरा हैंडल आगे पीछे करने से जो ऑयल है अंदर तक पहुंच जाता है। और अगर आप आपकी जो कोल्ड लैमिनेशन मशीन होती है हम उसका लुब्रिकेशन करके भी आपको बताते हैं। कोल्ड लैमिनेशन मशीन आपकी चाहे कौन से भी साइज की हो, 12 इंच, 14 इंच, 40 इंचेस, 30 इंचेस या फिर 52 इंचेस की बड़ी मशीन, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस स्प्रे लेके जाना है मशीन के साइड वाली बेयरिंग के ऊपर और उसे प्रेस कर देना है ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ। और आप जब आप हैंडल को हल्के से गोल गोल घुमाएंगे थोड़ा बहुत तो वो जो लुब्रिकेशन है पूरी तरह से मशीन के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा और मशीन थोड़ी फ्री रहेगी, मशीन की लाइफ मेंटेन रहेगी और आप मशीन को कुछ साल और लंबा खींच पाएंगे। ये जो आपको प्रोसेस दिखाया है ये हफ्ते में एक बार आप अपनी मशीन्स के ऊपर कीजिए ताकि आपकी जो मशीन्स की लाइफ है, क्वालिटी है वो बरकरार रहे। एंड ऐसे ही कई सारे बिजनेस टिप्स, ट्रिक्स एंड सॉल्यूशंस जानने के लिए आप हमारा शोरूम विजिट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.abhishekid.com पर, या फिर हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक प्रोडक्ट्स।